जय हिंद, वंदे मातरम। लगातार अफगानिस्तान और तालिबान को लेकर जबरदस्त अपडेट आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं। अगली बड़ी अपडेट हम आपको बता दें, अफगानिस्तान में तालिबान के कहर से बचने के लिए महिलाएं अपने बच्चों की जान भी दांव पर लगा रही है। ये महिलाएं परिवार के साथ किसी तरह देश से बाहर निकल जाना चाहती है। हजारों लोग काबुल एयरपोर्ट पर जुटे, जो वहां कंटीले वाले तारों की फेंसिंग कर दी गई है ताकि लोग एयरक्राफ्ट के नज़दीक ना पहुंच पाए। ऐसे में कुछ महिलाओं ने अपने छोटे बच्चों को जो फेंसिंग की गई है उसके दूसरी तरफ उछाल दिया है। वहां पहरा दे रहे कुछ ब्रिटिश सैनिकों ने इन बच्चों को कैच कर लिया। ये दर्दनाक मंजर देख ब्रिटिश सैनिकों की आंखों में भी पानी आ गया है। क्या है इस भयावक कवायद का मकसद? जब एयरपोर्ट पर नुकीले तारों की बाड़ लगाई गई तो उसका मकसद था अनचाहे लोगों या भीड़ को विमान तक जाने से रोकना। फेंसिंग के एक तरफ भीड़ और दूसरी तरफ अमेरिकी और ब्रिटिश सैनिक। कुछ महिलाएं यहां पहुंची, उनकी गोद में मासूम थे। महिलाओं ने सोचा कि अगर बच्चों को फेंसिंग के दूसरी तरफ पहुंचा दिया जाए तो उन्हें सैनिक एयरक्राफ्ट में मजबूरन बिठा देंगे। यही वजह है कि उन्होंने बच्चों को उठाया और फेंसिंग की तरफ उछाल दिया। सैनिकों ने उन्हें थाम लिया। इस दौरान सैनिकों की आंखें भी नम हो गई। हम आपको बता दें, ब्रिटिश सैनिक तो रोने लगे थे। एक ब्रिटिश अफसर ने कहा, ये लोग आज़ाद रहने के लिए बच्चों को ढाल बना रहे हैं। ये तालिबान के कहर से बचना चाहते हैं। कुछ बच्चे तो कंटीले तारों में फंस गए और दर्द से कहराने लगे। मुझे अपने सैनिकों की भी फिक्र है। वे हालात देखकर रोने लगे। उनकी काउंसलिंग की जा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बेहतर ज़िंदगी पाने के लिए किसी दूसरे देश भाग जाना चाहते हैं। इसके लिए वे काबुल एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं। रास्ते में फायरिंग हो रही है, लेकिन वे खतरा मोल लेने में नहीं घबराते। रास्ते में तालिबान उनसे मारपीट कर रहे हैं। यह मिशन मानवता के लिए से बातचीत में ब्रिटिश सैनिक ने कहा कि तालिबान हमसे एक मीटर ही दूर है। यह एयरपोर्ट नहीं, जंग का मैदान है। हमारे लिए मानवता का मिशन है। सैनिक भी बेबस है। एक तरफ छलछलाई आंखों से गुहार लगाते लोग और दूसरी तरफ उन्हें रोकने का फर्ज। करे तो क्या करे, तालिबान दावा करते हैं कि सब ठीक है, लेकिन दुनिया सब देख रही है। यह सही मायने में मानवीय त्रासदी है। आज के लिए बस इतना ही। ये तस्वीरें देखकर और ये वीडियो देखकर हर किसी के आंखों में आंसू आ ही जाते हैं। हमारी लगातार अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।